चिल्ला चिल्ला के क्लेम कर रही है कि हमने जम्मू कश्मीर में जमहूरियत को बहाल किया, तो मैं समझती हूँ जो इलेक्शन के रिजल्ट्स आने के बाद जो हो रहा है वो जमहूरियत का मजाक बना दिया उन्होंने। जितने भी कैंडिडेट जीते हुए हैं उसमें, चाहे वो PDP के हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस के हो, दूसरी जमातों के या इंडिपेंडेंट हो, उनको ब्लैकमेल किया जाता है, उनको पैसे का लालच दिया जाता है। जो पैसे के लालच से नहीं मानते उसको बंद करके कहते हैं तुमको किसी केस में इन्वॉल्व करेंगे। और एक अड्डा बनाया गया है यहाँ पर जिसमें बदकिस्मती से कुछ पुलिस ऑफिसर भी इन्वॉल्व है जो इसको फैसिलिटेट करते हैं, जो इनकी प्रॉक्सीज यहाँ पार्टीज हैं उनके दफ्तर में जाके उनको बंद किया जाता है, उसके बाद उनके साथ सौदाबाजी होती है। तो मैं समझती हूँ कि इलेक्शन, इतना बड़ा इलेक्शन करने के बाद इस किस्म की जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं ये शर्मनाक हैं। इससे मुझे लगता है कि जितना भी अच्छा काम हुआ यहाँ इलेक्शन कराने की वजह से उस सब पे दाग लग रहा है, दबा लग रहा है। और इसमें बदकिस्मती से जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो पुलिस के कुछ लोग हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो ये काम करने के लिए तैयार नहीं है। मैंने सुना उनको अब अटैच किया जाएगा। काफ़ी सारे पुलिस के लोग ये काम करने के लिए तैयार नहीं है, उनकी शायद पोस्टिंग्स चेंज हो। मगर जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं पुलिस के, एडमिनिस्ट्रेशन के, जो इस दलाली में, ये दलाली चल रही है इस वक्त, इसमें इनको सपोर्ट कर रहे हैं, जो प्रॉक्सीज हैं BJP की उसको सपोर्ट कर रहे हैं। और हम समझते हैं कि इन्होंने जितनी भी मेहनत अभी इलेक्शन में की वो सब जाया कर दी। तो एंटी डिफेक्शन लॉ होना चाहिए था क्या? नहीं, एंटी डिफेक्शन लॉ तो होना चाहिए, मगर ये लोग तो जब बिल्कुल लगे हुए हैं, क्योंकि इलेक्शन में ये नाकाम हो गए, पूरी तरह से फेल हो गए, चाहे वो BJP थी जम्मू कश्मीर में, चाहे वो इनके प्रॉक्सीज थे, वो नाकाम हो गए। PDP को इन्होंने तोड़ फोड़ करने के बावजूद भी उनको कुछ हासिल नहीं हुआ। तो अब इन्होंने यही तरीक़ेकार अपनाया है कि जो हमारे कैंडिडेट जीत के आए हैं, इंडिपेंडेंट्स हैं, उनको मार दार पैसा वैसा दे के ये वर्गला रहे हैं। तो मैं समझती हूँ कि, मैंने पहले भी कहा, ये जमहूरियत का जो है एक हिसाब से कत्ल हो रहा है। महबूब जी, अगर देखा जाए यहाँ पर PDP के जो लीडर हैं उनको कल OC उठाने दिया गया, तो उस पर क्या कहेंगे आप? एक मिनट बात करने दो। इसमें देखिए, जो वहीद परा साहब हैं, जैसे आप जानते हैं, मुझ पे दबाव डालने के लिए उनको पकड़ के ले गए, उनको अरेस्ट किया गया। मैंने पहले भी कहा यहाँ कई ऐसे लोग हैं जिनके गाड़ियों में AK-47 मिली, तकरीबन आधा दर्जन, मगर जब उन्होंने इनकी प्रॉक्सी पार्टीज को ज्वाइन किया तो उनके केस विड्रॉ हो गए। तो वही परा साहब जो इलेक्शन जीत गए और बहुत बड़े मार्जिन से जीत गए, उनको कोर्ट की डायरेक्शन थी कि इसको ओथ ऑनलाइन देना चाहिए, मगर उसके बावजूद यहाँ की जो इंतज़ामिया है उन्होंने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया, उसको हलफ नहीं दिया। और मेरे ख्याल में कि यहाँ इनको कोर्ट का भी कोई एहसास नहीं है। अपनी पार्टी जो है अभी हाउस और ट्रेडिंग में, जैसे वरुण लाल ने भी कहा।